इस वीडियो में हम 22 अप्रैल के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय सेठ। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव अजय सेठ बने हैं। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत, फ्रांस और यूएई। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह पहली बार है जब यूएई देश वरुण समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत फ्रांस 1993 से यह अभ्यास कर रहे हैं और इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य तीनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग का बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच है। सिलनेक्स 2020 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास भारत और चीन के श्रीलंका के बीच हुआ है। मरीन गार्डलैन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डुरोकी सीरीज के नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है। इस स्वच्छता उत्पाद को आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है। कोविड-19 वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली डुरोकी सीरीज तकनीक का विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार तर्कसंगतता और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को किसने लागू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार तर्कसंगतता और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को राष्ट्रपति ने लागू किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी, संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एन संजीव रेड्डी को भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के अंतर्गत तत्काल लगा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। भारत और जर्मनी देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के अंतर्गत तकनीकी सहयोग के बारे में एक वर्चुअल समारोह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जर्मनी के बारे में जानकारी, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमना नदी पर रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह दमना नदी किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। दमना नदी पर रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह दमना नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रोपेक्स का फुल फॉर्म रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर है। इस परियोजना का उद्देश्य
भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिले को जोड़ने के लिए रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी लॉन्च करना है। रोपेक्स जेटी सेवा के लॉन्च के व्यवसाय गतिविधियां और वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। धन नदी वैतरणी और ब्रह्मणी नदियों के संगम से बनी हुई संयुक्त धारा है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिसमस बैग नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे के रॉलिंग। द क्रिसमस बैग नामक उपन्यास जे के रॉलिंग द्वारा लिखा गया है। टॉप बुक सेलर के ऑथर, ब्रिंगिंग गवर्नेंस एंड पीपल क्लोजर पुस्तक को डॉक्टर एम रामचंद्र ने लिखा है। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक डॉक्टर विश्वरूपन राय चौधरी ने लिखा है। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज पुस्तक सुचिता मणिक ने लिखी है। माय ऑन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक एम एस किमाया ने लिखी है। माय एक्सपीरियंस विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या एक सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 देश, पहले पे जापान, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान 84वें नंबर पर है। इसके जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जापान के बारे में जानकारी, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन। इसके प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की जलवायु विविधता रिपोर्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु विविधता रिपोर्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर राज्यों और जिलों की पहचान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद हैं। ये 8 राज्य झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरली एस नटराजन। डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ मुरली एम नटराजन बने हैं। आरबीआई ने मुरली एम नटराजन को डीबीसी बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। डीबीसी बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसके एमडी एंड सीईओ मुरली एम नटराजन है। टॉप बैंक के एमडी एंड सीईओ, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संदीप चड्ढा है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ आतनु कुमार दास है। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ जे वेंकट रामू है। करुष वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ रमेश बाबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 अप्रैल। यूएन चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को केंची को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, जो कि एक पौराणिक आकृति है, जिसे लगभग 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है। चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
दुनिया भर में अन्य पांच आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अंग्रेजी और अरबी शामिल है। दुनिया में सात में से एक व्यक्ति चीनी भाषा का उपयोग करता है। टॉप पांच भाषाएं जो वर्ल्ड में बोली जाती है, पहले पे फ्रेंच, दूसरे पे स्पेनिश, तीसरे पे रूस, चौथे पे अंग्रेजी और पांचवे पे अरबी शामिल है। अप्रैल मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।